हाय फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एडियम्स को याद करेंगे। और फ्रेंड्स, पर डे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 20 एडियम्स होंगे, और जो हमारी सीरीज है ये 750 एडियम्स की है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला ये एडियम्स है, अ वर्ड आई व्यू, यानी कि सरसरी नज़र डालना। तो जो अगर हम जो इसको ट्रिक से याद करेंगे, तो हमारा जो ट्रिक ये होगा कि कोई एक चिड़िया थी जो इधर उधर देख रही थी, यानी कि सरसरी नज़र से इधर उधर देख रही थी वो। तो जो हमारा इसका अर्थ हो जाएगा अ वर्ड्स आई व्यू, यानी कि सरसरी नज़र डालना। और जो हमारा दूसरा है, ये दूसरा जो हमारा एडियम्स है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, देखने में खराब लेकिन वास्तव में अच्छा। समथिंग रियली गुड बट सीम्स टू बी बैड, यानी कि देखने में खराब लेकिन वास्तव में अच्छा। और जो हमारा तीसरा है, ये अ वर्ल्ड फ्रॉम आउट ऑफ ब्लू। और फ्रेंड्स, थोड़ा जो मैं तीसरा वाला है, इसमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये जो यहाँ से हाइफन से मैंने दिखाया, शो किया यहाँ पर, यानी कि अ बोल्ड फ्रॉम, ये अलग है, ये आउट ऑफ ब्लू और ये अलग है। तो इन दोनों का अर्थ ही होता है अ ग्रेट शॉक, यानी कि अचानक और गहरा सदमा। तो आप इसको दोनों को याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में भी आ चुका है ये। और जो हमारा तीसरा चौथा है, ये तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में एसएससी का जो ये सीजियल है, इसमें कई बार आ चुका है। अ बोन ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये कॉन्टेंशन है। और फ्रेंड्स, बता दूं कि जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा वीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। और जो ये 20 जो 20 एडियम्स हैं, मैं इसकी जो पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब बोन ऑफ कनेक्शन का जो शाब्दिक अर्थ है, झगड़े की जड़, यानी कि हिंदी में जो मुहावरा है, एक अनार सौ बीमार। तो फ्रेंड्स, तो ये उसी का है, एक झगड़े की जड़। जो ये हुआ पाँचवा जो हमारा है, अब बॉटल नेक, यानी कि ऑब्स्टेकल, यानी कि बाधा पहुंचाना, जो इसको हम याद करेंगे, जो हमारा ट्रिक होगा बॉटल नेक। जो एक बॉटल होता है, बॉटल, उसके ऊपर देखेंगे नेक में जो गर्दन उसकी होती है, उसमें एक ढक्कन में ढक्कन के साथ एक कुछ लगा होता है, यानी कि वो बाधा पहुंचाना, यानी कि जो बॉटल था उसके नेक में कुछ फंसा हुआ था, इसलिए यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बाधा पहुंचाना। जो हमारा छठा क्वेश्चन है, जो छठा एडियम्स है, अ ब्रश विद समथिंग, तो यानी कि कुछ बुरा महसूस करना है, बुरा महसूस होना, एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट। तो अगर हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, तो इसका ट्रिक ये होगा कि अ ब्रश विथ समथिंग, जो आप सुबह उठते हैं तो जो ब्रश करते हैं आप, तो अगर बाय द वे आपका आपका ब्रश कोई दूसरा यूज़ कर लेता है, तो जब आप यूज़ करने जाएंगे तो कुछ अजीब फील होगा, लग रहा है कुछ किसी ने यूज़ किया है या ऐसा कुछ फील होगा। तो आपको यहाँ से उससे कोरिलेट कर लीजिएगा कि इस मतलब कि एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कुछ बुरा महसूस करना या बुरा महसूस करने होना। अ केक वॉक, जो हमारा छठा है ये, सॉरी सातवां जो है, सेवेंथ एडियम्स, अ केक वॉक, एन इजी अचीवमेंट, आसानी से प्राप्त करना, यानी कि आप टहल रहे थे, कहीं टहल रहे थे, आपको केक मिल गया। तो मतलब कि आपको याद करने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे कि मैं जो ये जो सीरीज है 750 एडियम्स की, मुझे तो 750 एडियम्स याद हो चुके हैं, तो जैसे मैंने याद किया था, मैं बता रहा हूँ आपको भी वैसे याद करने के लिए। अगर बाय द आप मुझसे भी बेटर ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, तो आप याद कर लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने याद किया था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। अ केक वॉक, यानी कि कोई आदमी था, वो टहल रहा था, उससे केक मिल गई, मिल गई केक जो मिला था, तो आसानी से प्राप्त करना, यानी कि जब आपको आप कहीं टहल रहे थे, आपको मिल गया, तो आसानी से प्राप्त कर लें आप। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, आसानी से प्राप्त करना या मिल जाना, एन ईजी अचीवमेंट। और जो हमारा आठवां होगा, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि बिल्कुल अपने माता पिता की तरह, यानी कि जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो ओल्ड ब्लॉक, यानी कि जो हम लोग जो हैं उनकी न्यू जनरेशन है, यानी कि अगली पीढ़ी, तो उन लोग से थोड़ा एडवांस तो होगी। तो इस तरह आप याद करेंगे, अचीव ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि बिल्कुल अपने माता पिता की तरह होना। अगर ओल्ड ब्लॉक दिख जाए, तो मतलब होगा कि जैसे माता पिता हैं, तो वो थोड़ा पुराने ख्यालों के होंगे, तो उनके उसके हिसाब से ये हो जाएगा, बिल्कुल माता पिता रखते होना। जो हमारा नाइन्थ है, ये क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक अ फुल कॉन्फेंशन ऑफ द समथिंग, कोई चीज़ पूरी तरह स्वीकार कर लेना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, मैं कोई बना भी नहीं पाया था, तो बस मैंने इसी तरह ऐसे याद कर लिया। और जो हमारा दसवां है, ये क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ फ्रीवल पर्सन, यानी कंजूस व्यक्ति या मितव्ययी व्यक्ति। तो
फ्रेंड्स इसको याद आराम से याद ही हो गया, ये हो गया होगा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ फ्यूगल पर्सन यानी कि अंजुस व्यक्ति, जो हमारा 11 है ही है, अक्लोसिव या अनैरो स्कैप यानी कि बार बार बचना। और फ्रेंड्स इसमें जो यहाँ पर जो इसका जो मैंने हिंदी दिखा जो इंग्लिश में इसका अर्थ जो दिखाया है यहाँ पर अनैरो स्कैप, फ्रेंड्स एग्जाम में ये दोनों आ सकता है। कई बार तो अनैरो स्कैप करके पूछा था, कई बार इसमें पूछा अक्लोसिव, इसका क्या अर्थ होगा, तो हो जाएगा बार बार बचना। जो हमारा 12 इसमें है 12 अ डैम स्क्वेब अ डिसअपॉइंटेड अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट यानी कि निराशाजनक परिणाम स्वरूप, तो निराशाजनक परिणाम इसमें जो इसका अर्थ हो जाएगा निराशाजनक परिणाम। और जो हमारा 13 है ये है अ डार्क हॉर्स यानी कि छुपा रुस्तम, और डार्क हॉर्स जो अनएक्सपेक्टेड विनर या पर्सन। तो फ्रेंड्स जैसे इसको याद करेंगे कोई ये घोड़ा था जो अंधेरे में था, तो यानी कि आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो उसमें दिखेंगे भाई कुछ दिख नहीं रहा यानी कि छुपा रुस्तम, और डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम। और फ्रेंड्स जो हमारा 14 ये है इसमें और डॉग लाइफ यानी कुत्ते की ज़िंदगी, और डॉग लाइफ ये तो इसको मैं तो बता सकता हूँ कि आप एक बार सुनते ही आपको इसको याद कर लेंगे, आप जो ट्रिक होगा इससे एक बार आप सुनेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। और डॉग्स लाइफ वेरी मेजरेबल लाइफ, बहुत ही कंजूस या दुखदाई जीवन। तो फ्रेंड्स कोई भी मूवी देखते हैं यहाँ तो उसमें कहता है मैं कोई जो डायलॉग होता है कुत्ते को डायलॉग होता ही है वो, तो जैसे कि और डॉग लाइफ यानी कुत्ते की ज़िंदगी, यानी कुत्ते की ज़िंदगी मतलब क्या हो सकता है, कुत्ते की ज़िंदगी अरे तुम्हें कुत्ते की ज़िंदगी जीना होगा, यानी कुत्ते की ज़िंदगी मतलब बहुत ख़राब लाइफ होगी, तभी तो बोला जाता है इसमें और डॉग लाइफ कुत्ते की ज़िंदगी यानी कि बहुत ही कंजूस या बहुत दुखदाई जीवन। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि 14 को जो 14 मैंने बताया आपको ये याद हो गया होगा। तो चलिए हम आगे अपना जो आगे जो है उसे स्टार्ट करते हैं। चौदह यानी कि अब हमारा ये 15 जो होगा ये, और डबल एड्स वर्ड्स वर्ड। फ्रेंड्स थोड़ा मैं एक और बात कंफर्म कर दूं कि जो मेरा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का थोड़ा वीक है, अगर बाय द वे मैं एक प्रोनाउंसिएशन का एक गलत कर दूं तो आप जो मैं इसको PDF दूंगा आप वहां से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो अ डबल एड्स इस वर्ड यानी कि दो धारी तलवार, यानी कि अ डबल से दो आ रहा है इसमें, और जो हमारा इसमें जो अर्थ होगा दो धारी यानी कि दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाने वाला, यानी जो जो जिसमें जो तलवार होती है उसमें दो धारियां होती हैं, तो उसको दो धारी तलवार बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसको इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप अपने इसको ट्रिक बना लें तो अच्छी बात है ये। अफर फ्राई बहुत दूर, फ्रेंड्स जो 16 हुआ अफर फ्राई बहुत दूर, और जो हमारा साथ अ फिदर इज अ फिदर इन वन स्कैप एक नई उपलब्धि अ न्यू अचीवमेंट ऑन विच वन कैन बी प्राउड ऑफ यानी कि एक नई उपलब्धि। अ गुड समरिटन यानी कि सहायक व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति जो सहायता करता हो, अ गुड समरिटन अ हेल्पफुल पर्सन सहायक व्यक्ति, अ गुड टर्म यानी कि अ गुड टर्न यानी कि दयालुता दिखाना है, कृपा 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 करना। तो फ्रेंड्स इससे भी आप इजीली याद कर सकते हैं, जैसे कि बाय द वे आप बाय द वे क्या सर इस बार तो पक्का सिलेक्शन होना ही है, तो अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपके लाइफ का वो एक गुड टर्न होगा वहाँ पर, तो यानी कि जब आपको जॉब लग जाएगी तो आप किसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं, या इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल हुआ इकोनॉमिकल ग्रुप से या ऐसे करके आप वहाँ पर इसको कोरिलेट कर लीजिए, अ गुड टर्न दयालुता दिखाना है कृपा करना। और फ्रेंड्स जो हमारा 20वां आई है अ हॉर्स लव यानी कि बिना किसी कारण जोरदार रस्सी, अब तो बाय द वे घोड़े दिखते नहीं है अब, अगर बाय द वे आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो जो गांव में जो छोटा जो क्या तांगा बोला जाता था जो घोड़े चलते थे, अचानक घोड़े मतलब उन जो घोड़े की आवाज़ हिनहिनाना, घोड़े जब हिनहिनाने लगते थे यानी कि कोई रीज़न नहीं होता था कोई हिनहिना क्यों रहे हैं वो, तो इससे ये हो जाएगा कि बिना किसी कारण के जोरदार हंसती। तो फ्रेंड्स अगर मैंने इस वीडियो में कहीं कुछ जिससे कोई कमी रही हो बताने में तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने गलत किया, या ऐसे जो भी कुछ होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।